एक लड़की बहुत ही ट्रबल क्रिएट कर रही होती है, जहाँ पर उसके स्टेप फादर उसको एक डेंजरस से कैंप में भेज देते हैं, जहाँ पर बहुत सारी इलीगल चीजें चल रही होती हैं। उसी लड़की का बॉयफ्रेंड उसी कैंप में उस लड़की को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। अब आगे क्या होगा, ये आज की हमारी मूवी बूट कैंप, जो कि 2008 में एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है, इसमें हमें पता चलेगा। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है बेन। वह इस शॉप में काम करता था। यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि तुमने मुझे एक बहुत ही घटिया चीज सेल की थी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये लड़की कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड शॉपी थी। वो उसे लेकर गई और ये दोनों मेकआउट करते हैं। एक पार्टी होने वाली थी, यहाँ पर सोफी ने उसे इनवाइट किया था। सोफी के घर पर उसके पेरेंट्स ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था। एक्चुअल में उसके फादर की 2 साल पहले डेथ हुई थी, कि मदर ने किसी और से शादी कर ली। सोफी को अपने स्टेप फादर अच्छे नहीं लगते, तो उन्हें जलील करने के लिए अपने फादर के सामने तो उन्हें जलील करने के लिए उनके फ्रेंड के सामने एक बीड की सिगरेट उनके सामने दिखाई और कहती है, क्या ये आपकी है? इससे स्टेप फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने उसे एडमिट करने को कहते हैं कि उसने अभी अभी झूठ कहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफी और बेन की पार्टी चल रही थी। बेन ने नोटिस किया कि सोफी के आर्म पर बाजुओं पर एक निशान है। उसके स्टेप फादर ने उसको बहुत जोर से पकड़ा था, जो कि बहुत ही लाल हो चुका था। सोफी बेन से कहती है कि मुझसे शादी कर लो, इसके बाद मुझे मेरी मदर के पास नहीं रहना पड़ेगा। बेन कहता है कि हमें इस रीजन की वजह से शादी नहीं करनी चाहिए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही रीजन होना चाहिए। ये लोग इंटीमेट होने वाले थे कि तभी वहाँ पर कुछ अजीब से लोग पहुँच जाते हैं। वो जबरदस्ती सोफी को वहाँ से लेकर जाते हैं। बेन सोफी के पेरेंट्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो सोफी के पेरेंट्स कहते हैं कि सोफी को इन सब की जरूरत थी, उसे अब एक कैंप में भेजने वाले हैं। बेन कहता है कि आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस कैंप में सोफी को भेजा गया है ये कोई नॉर्मल कैंप नहीं है, जो बच्चे ट्रबल करते हैं उन्हें इस कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। अब इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सजा भी दी जा सकती है। अगली सुबह जब सोफी को होश आया तो फिजी के एक आइलैंड पे थी, उसके साथ कुछ और भी लड़के थे जिन्हें भी इस कैंप में भेजा गया था। इन सबको जबरदस्ती बीच के पास ले जाया जाता है। सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनके पैर में एक डिवाइस लगा दिया गया। इस डिवाइस में ट्रैकर होता है जिससे कोई बचकर भाग ना सके। यह सिक्योरिटी हेड लोगन था। लोगन कहता है कि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि आसपास पूरा पानी है, तैर कर कभी भी तुम किनारे तक नहीं पहुँच सकते। इन सबको फिर एक सीमेंट के स्क्वायर से बांध दिया गया। लोगन कहता है कि हम सबको स्ट्रांग बनाने वाले हैं, जितनी जल्दी तुम सीख जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रात में किनारे पर पानी आने लग गया कि सब लोग डूबने लग गए थे। पूरी रात खुद को बचाने के लिए तड़पने लगते हैं। अगली सुबह इस कैंप का ओनर नॉर्मन इनके पास आया। वो इनका वेलकम करता है। सोफी कहती है कि ये किस तरह का वेलकम है, रात भर हमें तड़पना पड़ा था। नॉर्मन ने कहा, जिस तरह से तुम्हें फील हुआ यही चीज तुम अपने पेरेंट्स को अब तक फील कराते आ रहे हो, वो भी तुम्हारी वजह से स्टक थे। इस कैंप में सही तरह से कैसे बिहेव किया जाता है ये सारी चीजें इस कैंप में सिखाई जाएंगी। दूसरे लड़के नॉर्मन को गालियां देने लग गए थे, एक को इन्होंने बहुत ज्यादा मारा। इन सबको एक लड़की से मिलवाया गया जिसका नाम था एलन। एलन यहाँ पर पिछले 2 साल से थी और अब इस एलन से वो जाने वाली थी, क्योंकि अब वो सुधर चुकी थी। एलन यहाँ पर इन सबको यहाँ पर चीजों को लेकर गाइड करती है। बाकी सारे कैंप के स्टूडेंट ने ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए थे। वो कहती है कि तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट करता है, जैसे जैसे तुम्हें सुधार आएगा उसी तरह से हम तुम्हारी टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे, पहले येलो होगा फिर उसके बाद व्हाइट, उसके बाद फिर वो घर जा सकते हैं। सोफी जिस कैंप में थी वहाँ उसकी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था टीना। ये सब डिस्कस कर रहे थे कि जब एलन यहाँ पर आई थी तो उसकी कंडीशन क्या थी। एलन ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा फैट थी और अब यहाँ पर रहने के बाद वो शेप में आ चुकी है, अब उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। वो फैट थी तो इस टेंशन में वो खुद को हर्ट करती थी, अब उसका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। घर पर बेन ने सोफी की मदर से बात करने की बहुत कोशिश की थी, वो बार बार उसे कॉल करता था। एक दिन सोफी की मदर बेन से मिलने के लिए आई। बेन ने उसे समझाने की कोशिश की कि सोफी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। बेन पूछता है कि वो कैंप कहाँ है। सोफी की मदर ने उसे बता दिया। बहन ने कहा कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोफी के मदर को बुरा लगा और वो यहाँ से चली जाती है। बहन ने उस कैंप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। वो घर में बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। उसने एक ड्रग डीलर से ड्रग बाय किए और खुद को इंजेक्ट करने लग गया था।
इधर आइलैंड में सोफी को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। एक दिन कैंप में सोफी ने देखा कि इस कैंप में एक होल भी बना हुआ है। जो लड़के कुछ बात मानते नहीं उन्हें इस होल में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही डेंजरस पनिशमेंट थी। एक दिन सभी लोगों को एक जगह पर बुलाया गया। टीना को सबके बीच में खड़ा किया जाता है और नॉर्मन कहता है कि टीना को यहाँ पर आए हुए 3 वीक हो चुके हैं। अब टीना ने जो भी किया था उसके बारे में उसे कन्फेस करना था। टीना को सबके सामने बताने में गलत लग रहा था तो नॉर्मन ने कुछ बच्चों को चूज किया। ये सारे मिलकर टीना को पुश करने लगे, मारने लगे। फाइनली टीना कन्फेस करने लगती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही रिलीजियस हैं। मेरा किसी लड़के के साथ होना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनसे बदला लेने के लिए एक रात में बहुत सारे लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। इसी वजह से उसे इस कैंप में डाल दिया गया था। उसने जो भी किया उसे गलत लगता है और इसके लिए वो शर्मिंदा भी थी। सब लोग आकर उसे गले लगाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सारी चीजें सिखाई जा रही थी। इधर बैन ने ड्रग डीलर से बहुत सारे ड्रग लिए हुए थे, इसलिए ड्रग डीलर उसके घर पर पहुंच जाता है और बैन को मारकर वहां से चला गया। ये सारी चीजें बैन के पेरेंट्स ने देखी, उन्हें सब कुछ पता चल गया था। वो गुस्से में बैन को भी उसी कैंप में भेजने का डिसाइड करते हैं। कैंप में एक रात सब लोग बहुत ही खुश थे। सोफी ने पूछा ऐसा क्या हुआ। टीना ने उसे बताया कि आज चिकन है पर ये चिकन बाकी सारे लोग खा जाएंगे, उन्हें लास्ट में मिलेगा ही नहीं। टीना को चिकन बहुत पसंद था तो वो एक पीस लेकर छुपकर खा रही थी। ये सारी चीजें लोगन देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे स्पेशल हो, ये पीस तुम रिजर्व करती हो। अगर मैंने इस बात की रिपोर्ट कर दी तो तुम इस कैंप से कभी नहीं निकलोगी। मैं तो अभी तुम्हें येलो शर्ट दिलवाने के लिए रिकमेंडेड करने वाला था। टीना कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना। लोगन ने कहा हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। टीना भी जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए उसे कुछ भी बोलती नहीं। रात में बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें सबके टेंट टूट चुके थे। इसे फिर से बनवाने के लिए सब लोगों के लिए काम दिया जाता है। टीना को सबका लीडर बना दिया गया था। काम करते करते सोफी बहुत ज्यादा थक गई। वो कहती है कि प्लीज मुझे आराम करने दो। टीना कहती है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो हम सबको सजा मिलेगी। सोफी मानती नहीं है तो टीना ने सबको ऑर्डर दिया कि सोफी को बहुत मारे और सब लोग वैसा ही करते हैं। ये सारी चीजें कैमरे में नॉर्मन देख रहा था। वो अपने कलीग मैरियन से कहता है कि जब भी हम इन्हें कुछ बुरा करने के लिए चांस देते हैं तो ये हमेशा वही करते हैं। कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता, इसी वजह से सारे यहाँ पर फंसे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बैन भी कैंप में अब आ चुका है। वो सोफी को देखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक दिन सोफी को नॉर्मन ने उसको पास बुलाया, उसे दूध और बिस्किट ऑफर करता है। सोफी कहती है कि तुम्हारी ट्रिक क्या है, मुझे कुछ अच्छा देकर मेरी थेरेपी करो, इस तरह से मैं तुम्हारे इस कैंप में नहीं आने वाली। बाकी सब लोगों को लगता है कि तुम बहुत ही लाइफ चेंज करते हो पर मुझे ऐसा नहीं लगता। नॉर्मल फिर उससे एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारे मदर फादर ने यहाँ पर तुम्हें भेजा क्यों। सोफी कहती है कि मेरे स्टेप फादर ने यहाँ पर भेजा, मेरी मदर कभी भी ऐसी बात नहीं करती। सोफी को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली जाती है। रात में बैन सोफी के पास आकर बैठता है। सोफी को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा पर वो एक दूसरे को जानते हैं, ये किसी को पता नहीं चलने दे सकते थे। एक सीक्रेट जगह उन्होंने डिसाइड की और वहाँ पर जाकर वो मिल गए। बैन ने सोफी को बताया कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुंचा। अब दोनों वो यहाँ से निकल जाएंगे, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर सोफी की आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन बैन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें एक लड़का था जिसे स्विमिंग आती नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती उससे करवाई जाती है। वो ऑलमोस्ट डूबने वाला था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोगन और टीना के बीच में डील हुई थी जिस वजह से टीना को येलो टी शर्ट मिल जाता है। अब सोफी को भी यहाँ आए हुए 4 वीक हो चुके थे तो सबके सामने कन्विंस करने के लिए उसको बुलाया जाता है। वो कन्वेंस नहीं कर रही थी तभी सबको बुलाया गया और वो सभी सोफी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। रोते रोते फिर सोफी ने सब कुछ कन्फेंस किया। उसने कहा कि मैंने झूठ कहा था, मेरे स्टेप फादर की पार्टी चल रही थी जिसमें मैंने कहा कि वो रोज मेरे रूम में आकर मेरे साथ रोज जबरदस्ती करते हैं। इससे उन्हें बहुत ही बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। सोफी को बहुत पछतावा होता है कि वो किस तरह से झूठ बोली थी। आज रात बैन और सोफी फिर से मिले। बैन यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा था। सोफी उससे कहती है कि शायद ये प्लेस मेरे लिए अच्छा है, मैंने झूठ कहा था और इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बैन कहता है कि जिस तरह से लोग हमें ट्रीट करते हैं उस तरह से कोई भी नहीं कर सकता, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सब लोग खेल रहे थे। एक लड़का था जो बैन को बहुत ही परेशान कर रहा था। वो हर बार उसे मारकर नीचे गिरा देता था।
बैन ने भी उसे दूर रहने की वार्निंग दी, पर फाइनली बैन ने उसे छेड़कर उसके प्राइवेट पर जोर से मारा। इस कैंप में सभी लोगों को कहा गया कि आप एक लेटर लिखो, जैसे आपके पेरेंट्स आपको लेटर लिख रहे हों। ये सब लेटर नॉर्मन को मिलने के बाद वो सोफी का लेटर पढ़ता है। सोफी ने लिखा कि जैसे उसकी मदर ने उसके लिए बहुत ही स्वीट लेटर लिखा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारी चीजें फेक कर रही थी और अब बात नॉर्मन को पता चल गई। नॉर्मन की कलीग मैरिन कहती है कि तुमने इस कैंप को इसी तरह से बनाया है, यहाँ पर कोई भी झूठ कह सकता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए। नॉर्मन के जो सब तरीके थे उसे हमेशा सही लगते हैं। इसमें उसे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि सबके पैर में ट्रैकर था। पैन स्लोली स्लोली किसी तरह से इस ट्रैकर को डीएक्टिवेट करता है और सारी चीजें सीख लेता है। सोफी को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया। नॉर्मन जब पेरिस की कॉन्फ्रेंस लेने के लिए जब गया हुआ था तो उसके ऑफिस में जाकर जल्दी से एक छुरा लेता है। मैरिन अभी ऑफिस में थी, वो यहीं पर सो गई थी और बहुत ही चालाकी से उन्होंने यहाँ पर अपना पासपोर्ट निकाल लिया। नॉर्मन की आइलैंड पे पोर्ट थी जिसको लेकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। एक बहुत ही अच्छे से होटल में आए जो बैन ने ऑलरेडी बुक कर लिया था। अब अगली सुबह वो प्लेन से यहाँ पर निकल जाने वाले थे। वो दोनों बहुत ही खुश थे और आज यहाँ पर इंटीमेट हो गए। अगली सुबह वो यहाँ से निकल पाते कि उससे पहले कैंप के लोग यहाँ पर पहुँच गए। वो फिर से पकड़ कर उन्हें कैंप में लेकर जाते हैं। नॉर्मन कहता है कि बैन और सोफी ने जो भी किया इस वजह से सबको भुगतना पड़ेगा। 3 मंथ तक आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। इनके यहाँ पर जो होल थे इन दोनों को यहाँ पर डाल दिया गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बैन को जो तकलीफ देता था उस लड़के का नाम था डैनी। डैनी की अब कन्फेस करने की बारी आती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया। डैनी कहता है कि मैं स्कूल को बॉम्ब से उड़ाने की इंटरनेट पर बात कर रहा था, ये मेरे पेरेंट्स ने देख लिया और मुझे यहाँ पर भेज दिया। ये सिर्फ एक मिस्टेक थी, मैं इंटरनेट पर एज ए कैरेक्टर बात कर रहा था। एक्चुअल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था। वो नॉर्मल से कहता है कि तुम भी तो एक रोल ही प्ले कर रहे हो कि हम सबकी तुम केयर करते हो, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल को इस पर गुस्सा आया और सब मिलकर डैनी को बहुत मारते हैं। अब एक दिन बीत चुका था, अब सोफी और डैन को होल से निकाल लिया जाता है। नॉर्मन ने बैन से बात की, उसने कहा कि तुम्हारी वजह से सोफी की जो भी प्रोग्रेस हो रही थी वो स्टॉप हो चुकी है। मुझे पहले से ही तुम्हारे और सोफी के बारे में पता था, पर फिर भी मुझे देखना था कि तुम क्या करोगे। वो बैन से कहता है कि नेक्स्ट फ्लाइट लेकर तुम यहाँ से चले जाओगे। बैन इस बात से बहुत ही अपसेट हो गया, वो सोफी से बात नहीं कर रहा था। तो सोफी कहती है कि हुआ क्या। बैन कहता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, उसके बाद ही तुम यहाँ पर सही तरह से इम्प्रूव हो सकती हो। बैन जाने वाला है, ये सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आज रात लोगन फिर टीना के पास आया। टीना उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी तो लोगन उसके साथ जबरदस्ती करता है। इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, वो रो रही थी। ये सारी बात सोफी ने देख ली थी। सोफी कहती है कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। टीना ने उसे सब बातें बता दी। अगले दिन जब ट्रेनिंग चल रही थी तो फिर से सब लोगों को स्विमिंग करने के लिए कहा गया था। जैसा कि हमें पता है कि बैन को स्विमिंग नहीं आती, वो सबके पीछे था। सब किनारे पर पहुंच गए। बैन नोटिस करता है कि डैनी पानी में डूब रहा है। उसने लोगन को बताने की कोशिश की, पर लोगन कहता है कि डैनी को खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। बैन ने खुद जाकर डैनी को बचाने की कोशिश की, पर डैनी मर चुका था। लोगन भी डर गया। वो बैन से कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम सबको बताएंगे कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमेशा मैं तुम्हें इस कैंप में रखूंगा। ये बात बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। नॉर्मन ने लोगन को अपने पास बुलाया। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें इस कैंप में नहीं रख सकता। लोगन कहता है कि तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। नॉर्मन कहता है कि तुम यहाँ पर इलीगली हो, मिलिट्री को मैं कॉल करूंगा और वो तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए ले जाएगी। नॉर्मन फिर लोगन को सबके सामने लेकर आया। वो उसे भी अपनी क्राइम को कन्फेस करने के लिए कहता है। लोगन ने जिनके साथ भी गलत किया था वो सारे मिलकर लोगन को कन्फेस करते हैं। टीना ने उससे पूछा कि और तुमने कितनी लड़कियों को मजबूर किया येलो टी शर्ट दिलवाने के लिए। बाकी लड़कियां सामने आईं। ये सारे मिलकर लोगन को बहुत मारते हैं। बैन डैनी के डेथ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो सबसे कहता है कि यहाँ पर सब चीजें गलत चल रही हैं। हम सबको मिलकर इस कैंप को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सब लोग इसके लिए मान गए। हर जगह वो आग लगा देते हैं। लोगन मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी में यहाँ से भाग रहा था। भागते भागते उसकी अपनी गाड़ी से कंट्रोल चला जाता है और एक जगह पर जाकर वो टकरा गया।
वहाँ पर ऑलरेडी आग लगी हुई थी। निकलने की उसने बहुत कोशिश की, सब लोग उसे देख रहे थे, पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। उसकी जलकर ही डेथ हो जाती है। फाइनली बेन और सोफी नॉर्मन के ऑफिस में आए। नॉर्मन ने कहा कि तुमने आज प्रूफ कर दिया कि तुम जैसे बच्चों को कैंप की जरूरत है। अब हमेशा पेरेंट डरते रहेंगे कि कैंप कभी भी बंद नहीं होगा। नॉर्मन के पास गन थी, वो इन्हें मारने वाला था कि तभी बेन ने उन पर हमला कर दिया। बेन के पास भी चाकू था, वो नॉर्मन को मार सकता था पर उसने ये नहीं किया। नॉर्मन मौके का फायदा उठाकर गन लेकर शूट कर देता है, पर उस गन में कोई भी गोली नहीं थी। नॉर्मन की कलीग मैरियन ने ऑलरेडी इसमें से बुलेट निकाल ली थी। मैरियन कहती है कि कभी न कभी इन सारी चीजों को बंद पड़ना ही था। नॉर्मन जिस होल में सबको डालता था तो सबने मिलकर नॉर्मन को उसी होल में डाल दिया। यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया। फाइनली सब लोग इस आइलैंड से निकल गए। मूवी के एंड में बताया जाता है कि 1970 से इस तरह के अलग अलग कैंप थे जिसमें बहुत सारे बच्चों को भेजा जाता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती, तो अंदर उन्हें कितना भी टॉर्चर किया जा सकता है। अब तक इस तरह के कैंप में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। नॉर्मन को लगता था कि सबको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, लाइफ में टफ बनाना सिखाना चाहिए। उसका मानना सही था पर तरीका बहुत ही गलत था। वो इन बच्चों को हेट करने लग गया था, इसी वजह से फाइनली वो इन बच्चों को मारने के लिए भी रेडी था। इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।